ओके सो फॉर कौन सेक्शन देर आर 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, ठीक है। सो उसमें से जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो 25 क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये कि आधा पेपर कौन सेक्शन का, आधा पेपर कौन का, आधा पेपर कहाँ से आता है हमारा? डेटा इंटरप्रिटेशन से आता है। सो ये काफ़ी बड़ी बात है, तो हमें कहाँ फोकस करना है सबसे ज़्यादा? डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि अगर हम आधे 25 मार्क्स निकाले थे पूरे 50 मार्क्स में से, सो दैट इज बेस्ट थिंग फॉर दिस सेक्शन। नाइस, यस ना? ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन से 25 मार्क्स निकाल लेते हैं, तो बाकी के 25 मार्क्स को हम धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश करते हैं, वो बात की बात करते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन अगर 25 मार्क्स निकल गए तो काफ़ी बड़ी बात है। और क्या पूछ जाता है उसमें? डेटा कंपैरिजन पूछ जाता है। वो कितने मार्क्स के लिए पूछते रहते हैं? वो 5 मार्क्स के लिए पूछ जाता है, ठीक है। और क्या होता है? और होता है डेटा सफिशियंसी, ये 5 मार्क्स के लिए होता है। तो अगर हम इन तीनों को ही काउंट करते हैं तो हमारे 35 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। आउट ऑफ 50, 35 यहाँ तीनों से बनते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी। और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस बचते हैं वो कहाँ से पूछ जाते हैं? दैट आर डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम क्वांट, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हमारे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, इनकम एक्सपेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इनकम एक्सपेंस ये हो गया हमारा, और अल्जेब्रा के क्वेश्चंस। सो ये सारे टॉपिक जो हैं ये पूरे 15 मार्क्स के लिए कंसिस्ट करते हैं। यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा कंपेरिजन, डेटा सफिशियंसी, ये तीनों मिला के 35 मार्क्स, और ये इतने सारे टॉपिक्स मिला के 15 मार्क्स। तो आपको टाइम सबसे ज्यादा कहाँ देना चाहिए? यहाँ पे कि यहाँ पे? कौन सेक्शन का टाइम आपको कहाँ पे देना चाहिए? यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे देना चाहिए? डीआई सॉरी, ओके, या 35 वाले हिस्से में हमें, डीआई में सर, डीआई सफिशिएंसी। या यहाँ इस वाले हिस्से में हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस हिस्से को जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे तो बाकी का बचा हुआ टाइम हम बाकी हिस्सों में दे सकते हैं, क्योंकि सीटी एग्जाम में टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? टाइम, कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, है ना? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है हमारे सीटी एग्जाम में। सो हम जितने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालेंगे वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो ये रहे हमारे टॉपिक कितने कंसिस्ट करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि डेटा कंपैरिजन में कैसे टॉपिक, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे अप्रोच करना है। सो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में कितने? 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन में से 5 5 क्वेश्चन के, 4 4 क्वेश्चन के, किस कई बार 3 क्वेश्चन के सेट देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 5 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलता है हमें। तो पहला जो आता है क्वेश्चन वो कहाँ से बनता है? टेबल ग्राफ बोल सकते हो आप। टेबल का रहता है हमारा डेटा, टेबल में डेटा गिवन होता है, फिर उसको हमें समझना पड़ता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। और बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, और क्या होता है? व्हाट्स मोर लेट, दैट इज केसलेट, ठीक है। सो टेबल में हमें टेबल गिवन होता है जिसके अंदर डेटा होता है, उसे हमें समझना पड़ता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। बार ग्राफ में जो तो डेटा होता है वो बार के फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है। बार के फॉर्म में कुछ डेटा गिवन होता है, उसे हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, तब जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइन ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लाइन के फॉर्म में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसे हमें समझना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। पाई चार्ट में जो गिवन डेटा होता है वो पाई के फॉर्म में होता है, समथिंग परसेंटेज या फिर कुछ गिवन होगा डेटा। इन केसलेट में क्या होता है? जो केसलेट में डेटा गिवन होता है वो एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। एक पैराग्राफ होता है, उसे आपको रीड करना पड़ता है, उसे आपको समझना पड़ता है, फिर उस डेटा को जो डेटा हमने समझा है उसके थ्रू हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है ताकि हम उस डेटा को समझ सकें। अगर हम उस डेटा को उस टेबल में इनपुट कर दिया, ठीक है, उस टेबल में हमने इनपुट कर दिया उस डेटा को, फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो आसानी से निकल जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर केसलेट।
जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए, वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं। क्यों क्यों डिफिकल्ट नहीं होते? क्योंकि सीटी एग्जाम ऐसा ही नहीं है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे। वो सिर्फ आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, जैसे कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा दे देगा। तो आपको क्या करना है इसके इससे बचने के लिए, उस पर हम बात करते हैं अभी। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात कि हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर के क्वेश्चन पढ़िए। जैसे एक सेट देखा आपने डीआई का, उसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, लेट से 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन को फटाफट एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, समझ लेते क्या पूछा है, तब जाके आप अगर डेटा पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आपको कितना डेटा सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे 10 तरीके का डेटा गिवन है और पूछा सिर्फ 7 तरीके का डेटा है या फिर 5 तरीके का डेटा पूछा है, तो बाकी के 5 डेटा का ड्रॉ करना या फिर उसको इम्प्लीमेंट या फिर अंडरस्टैंड करना इज नॉट वर्थ, क्योंकि यहाँ पे टाइम बचाना जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, कितना क्वेश्चन जरूरी है, कितना पूछा गया है, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि डेटा अंडरस्टैंड करो और क्वेश्चन को रीड करो, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको रीड करो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और जब हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया, समझ लिया, फिर जब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, सेकेंड थिंग, जब हम कैलकुलेशन पे आते हैं तो कैलकुलेशन को हमें कैलकुलेशन के टाइम पे हमें पेन पेपर नहीं यूज करना है। ठीक है, जितना कम से कम आप पेन पेपर यूज करोगे दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो पेन पेपर को कम से कम यूज करना है। तो कैलकुलेशन आपको कैसे करना है? कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है। ठीक है, तो माइंड में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कैलकुलेशन गिवन है 192 × 500, ठीक है, तो आप इसके लिए पेन पेपर यूज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वगैरह करोगे। लेकिन उसकी जगह अगर आप इसको माइंड में करते हो, उसके उसके लिए एक चीज और हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो जीरोज हैं इसको हम भूल सकते हैं, यहाँ पे इसको जीरो को भूल जाओ, तो जो हमारा आंसर आएगा वापस उसको 2 जीरो अगर बढ़ा दोगे तब जाके वो आपका आंसर क्लियर नजर में आएगा, क्योंकि हम ऑप्शन को देख के भी अपना आंसर बता सकते हैं। इसीलिए तो ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि हम अपने आंसर के करीब पहुंच सकें। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं तब जाके हम आंसर्स को, बाकी के आंसर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन के टाइम पे आप जितना पेन पेपर कम यूज करेंगे दैट विल बी बेस्ट थिंग फॉर यू। तो आपको कैलकुलेशन माइंड में करना है। ठीक है, और क्या कहा मैंने? और जीरोस को भूल जाना है, कैलकुलेशन करते टाइम जीरोस को भूल जाना है, सिर्फ नंबर्स पे फोकस करना है, जो कंप्लीट नंबर्स गिवन है उन पे फोकस करो, उनको उनके कैलकुलेशन पे फोकस करो, दैट विल बी बेस्ट थिंग फॉर यू। ठीक है, अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। और क्या करना जरूरी होता है? और आपने सुना होगा फ्रैक्शन और परसेंटेज के लिए एक टेबल होती है। ठीक है, जस्ट लाइक 1/1 = 100%, 1/2 = 50%, तो ऐसी एक टेबल होती है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है। 1/3 = 30%। चलो अच्छा नहीं था, 3-4 दिन काम करना, घर तो अपना तो नहीं, अंदर बाहर बाहर की तो सर करना क्या पे मुलीला आई सारो मत। हेलो, आगे का नहीं पान लेला इस टाइम में मुलीला पाई रहा पीछे का। या सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई वाज सेइंग दैट वी हैव टू लर्न दिस टेबल। ठीक है, ये टेबल हमें लर्न करनी है। ये जो डेटा होता है, जो फ्रैक्शंस की वैल्यूज होती हैं, तो जो फ्रैक्शंस की वैल्यूज होती हैं ये बहुत बेनिफिशियल होती है जब कैलकुलेशन हम करने जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे अप्रोक्सीमेटली 1/20 तक लर्न कर लेते हैं वैल्यूज इनकी, 100%, 50%, 33% एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ऐसे अगर हम लर्न कर लेते हैं, जो हम कैलकुलेशन करने जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न दिस टेबल, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आई होप यू गाइस आर क्लियर टिल हियर। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ओवरऑल कौन सेक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज डेटा गिवन हियर, यहाँ पे क्या बात करें, एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनका सेल गिवन है। ठीक है, जो वैल्यूज हैं ये सेल्स हैं इनके। ठीक है, डिफरेंट ईयर 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, अलग अलग ईयर का डेटा गिवन है ना।
अब इन डेटा के हिसाब से हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, लेट्स से अगर हम 122 क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनी एक्स इन द ईयर 2013, 15 एंड 17 टुगेदर। मतलब कंपनी एक्स ने कितना सेल किया है 13, 15 और 17 में, उनकी वैल्यूज को सम करो और किससे कंपेयर करो, उसको कंपेयर करना है 14 और 16 से। किससे कंपेयर करना है? 14 और 16 से कंपेयर करना है। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर हम x की वैल्यूज इन तीनों साल के लिए निकालते हैं, ऐड करते हैं, और y की वैल्यूज 20, 14 और 16 निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं? ये करना, ये हमारे लिए करना डिफिकल्ट होगा कि आसान होगा? यस नो? आसान होगा ना। तो अगर देखो ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, हाँ कुछ अलग नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मान लो ये पांच क्वेश्चन पूछा है इस पर्टिकुलर सेट में, पांच क्वेश्चन पूछा है, पांच में से चार तो ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब देखो, रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल कार सोल्ड, टोटल कार सोल्ड बाई बोथ कंपनीज इन ईयर 14, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल कार सोल्ड बाई बोथ कंपनीज। ठीक है, सिंपली परसेंट निकालना है और उनको कंपेयर करना है अगेन। तो ऐसे क्वेश्चन इन पांच में से चार क्वेश्चन आप आसानी से निकाल लेने वाले। जो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है उसमें थोड़ा सा टाइम, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट या 1.5 मिनट देके वो क्वेश्चन भी निकल सकता है अगर आप निकालना चाहो तो। तो अगर हम देखा जाए तो 5 मिनट में एक सेट आसानी से निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा इंटरप्रिटेशन में। आप कोई भी सेट उठा लो, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ भी निकाल लो, पांच में से चार क्वेश्चन तो ईजी मिलने ही मिलने वाला है। तो उस चार क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अप्रोक्सीमेटली 30-40 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, अगर वो 30-40 सेकंड में चार क्वेश्चन कर ले रहे हो तो बाकी का जो टाइम बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे सकते हो। तो अगर हम पर सेक्शन चार चार क्वेश्चन पकड़ते हैं तो 25 में से आप 20 मार्क्स निकाल ले रहे हो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो। अगर पर सेट में से चार क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट उसको छोड़ रहे हो, तो 25 में से 20 मार्क्स आप निकाल पा रहे हो। यस नो? यस। तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? हेलो, हेलो गाइस, am I audible or not? Yes sir, you're audible. Yes sir. Okay, thank you. So as I was saying, अगर 25 क्वेश्चन पूछे टोटल डेटा इंटरप्रिटेशन में, उसमें से आप 20 क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, आसानी से कर पा रहे हो, इजिली कर पा रहे हो। सो इजिली करने वाले क्वेश्चन पहले कीजिए आप, बाकी के जो पांच क्वेश्चन हैं वो अगर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो उनको थोड़ी देर बात करो या फिर मत करो। ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं कि डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करने ही करने हैं, इट इज नॉट एज कंपल्सन, क्योंकि हमारे पास टोटल 50 क्वेश्चन है और ओवरऑल पेपर की बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चन है, जो कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इम्पॉसिबल होता है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं करो, जितने क्वेश्चन इजिली कर पा रहे हो, टाइम बचा पा रहे हो, वो पहले करो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अप्रोक्सीमेटली चार क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेट पे चल के देखते हैं वो कैसा सेट है। नेक्स्ट सेट है एक बार ग्राफ का, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। इसमें बात करें तीन लोग हैं, अक्षय, बंटी और चित्रा, ये टेलीकॉलर्स हैं। ये कितने कॉल्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, कितने कॉल्स उनको रिसीव हो रहे हैं, उनका डेटा गिवन है, किस किस डेज में, ट्यूजडे और सैटरडे के में। ठीक है, तो सिंपल सा डेटा गिवन है कि तीन बंदे हैं वो टेलीकॉलर्स हैं, कितने कॉल्स रिसीव कर रहे हैं और किसको कितने कॉल्स रिजॉल्व कर रहे हैं, और दो दिन का डेटा गिवन है ट्यूजडे और सैटरडे का। अब उसी डेटा के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेरी रिजॉल्व बाय अक्षय एंड चित्रा ऑन सैटरडे इज 540। क्या बोला है, ध्यान से समझो कि नंबर ऑफ क्वेरीज रिजॉल्व बाय अक्षय एंड चित्रा, ठीक है, अक्षय और चित्रा ने सैटरडे के दिन में टोटल 540 कॉल्स रिजॉल्व किए। तो अक्षय का अगर हम डेटा ध्यान से देखें सैटरडे का, उसने 80% कॉल रिजॉल्व किए और चित्रा ने 80% कॉल रिजॉल्व किए। इसका मतलब दोनों का 80% का ही बात हो रहा है, तो दोनों का 80% सम कितना हो रहा है, 540। आखिरी में पूछा क्या है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स दैट वर नॉट रिजॉल्व बाय अक्षय एंड चित्रा। अक्षय सिर्फ अक्षय की बात कर रहा है। तो अगर दोनों ने 540 टोटल 80% कॉल रिजॉल्व किए हैं, तो इससे हम 100% डेटा निकालेंगे। फिर उसके बाद कितने कॉल उसने रिजॉल्व नहीं किए वो डेटा निकाल के हम आंसर दे देंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप 40 सेकंड 50 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेरीज रिजॉल्व बाई बंटी
on Tuesday is 270 and call received by him is 25% more than query resolved by Akshay on that day. इसका मतलब ये कि बंटी ने ट्यूजडे को 270 कॉल्स रिजॉल्व किए हैं. तो बंटी कहाँ पे है? यहाँ पे है. तो बंटी ने मतलब 60% कॉल रिजॉल्व किए, मतलब 60% वैल्यू इज इक्वल टू 270. तो यहाँ से हम इसका 100% वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, 270 का 100% कितना बनेगा? अगर उस 270 60 तो 100% वैल्यू एक निकल जाएगी. फिर क्या बात कर रहा है कि अक्षय ने क्या किया, 25% ये ज्यादा हो रहा है. मतलब ये जो बंटी का हो रहा है वो 25% ज्यादा हो रहा है. इसका मतलब अक्षय का 25% कम होगा तो वो वैल्यू निकल जाएगी अक्षय की 25% कम रिजॉल्व करने वाली. फिर एट लास्ट क्या पूछा है कि अक्षय ने कितने कॉल रिसीव किए हैं. अक्षय ने कितने कॉल किए हैं उस दिन पे, दैट इज 75. तो अगर 75 वैल्यू इसके 25% कम है तो 100% वैल्यू लास्ट में हमें निकालने जाएगी. तो हमें तीन चार स्टेप में, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ 3 से 4 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, आंसर आ जाएगा. तो ज्यादा से ज्यादा इसको करने में 50 सेकंड्स लगने वाले हैं. तो क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें समझने का फेयर है. अगर हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, अगर ये मान लो हम क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें लगता है कि यहाँ 5 से 6 कैलकुलेशन होने वाले हैं, तो 5 से 6 कैलकुलेशन करना मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट्स देना. यस नो, यस नो, यस सर. तो एक मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 मिनट देना, वैल्यू नहीं मिलता हमें. ठीक है, इट डजंट गिव वैल्यू टू अस. तो ऐसे क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो जो आपके ज्यादा कैलकुलेशन मांग रहा है और टाइम ज्यादा ले रहा है, तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ सकते हो. ऐसे क्वेश्चन फोकस करो ना जो 30 से 40 सेकंड में आपको आंसर दे रहे हैं. ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं होते, बस हमको उनको एनालाइज करना होता है. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज कर पा रहे हैं तो जो जल्दी क्वेश्चन होते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लो ना, तो टाइम तो आपको ही बचना है. सो हमें वैसे क्लासीफाई करना है कि कौन क्वेश्चन पहले करेंगे, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. ठीक है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. तो ये सेट में ऐसे डेटा निकल जाएगा, फिर अगले सेट पे हम चलते हैं. ये है टेबल ग्राफ का. ठीक है, इसमें एक टेबल गिवन है जिसमें हम कुछ वैल्यूज मिसिंग है. ठीक है, जो वैल्यूज मिसिंग है उन्हें हमें फाइंड करना होगा या तो उनके साथ सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा डेटा गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पीपल 12,000, सिर्फ इतना डेटा गिवन है. फिर बात कर रहा है कि उनके कुछ प्रोफेशन है, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ, टीचिंग, बैंकिंग एंड मैनेजमेंट. ठीक है, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं. फिर उनमें कितने परसेंटेज ऑफ पीपल काम करते हैं, मतलब 12,000 जो है वो 100% डेटा है, उसमें से 12% मेडिकल में गए हैं और यहाँ पे कुछ गए हैं, यहाँ पे 11%, यहाँ पे कुछ गए हैं, यहाँ पे 22, यहाँ पे 14, मतलब इनका सम करोगे तो आप 100% आने वाला है. ठीक है, सो दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. और ये जो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स गिवन है ना, ये पर्टिकुलरली मेडिकल सेक्शन के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए 45% फीमेल्स है, तो बचे कितने 55, तो 55 मेल्स हो जाएंगे. So, इस तरीके से इस डेटा को समझना पड़ेगा. अब क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चन है. सो लेट्स से रीड दिस क्वेश्चन. इफ द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ पीपल इन टीचिंग एंड इंजीनियरिंग इज 9%. ठीक है, टीचिंग और इंजीनियरिंग का डिफरेंस कितना है, 9% का. मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी उनका डिफरेंस कितना होगा, 9% का. वट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम ऑल द प्रोफेशंस टुगेदर. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब इस डेटा को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा. ये जो वैल्यू होगी इनका सम और इनका सम, इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो हमें उन दोनों का डिफरेंस बताना होगा. दैट विल बी लिटिल बिट सॉल्यूशन बिट, मतलब थोड़ा सा हमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है. पहला क्वेश्चन जो बात कर रहा है, इफ द टोटल परसेंट ऑफ द पीपल इन इंजीनियरिंग इज 16%, इसका मतलब इंजीनियरिंग में कितने बंदे हैं, दैट इज 16% बंदे. आउट ऑफ दैट देन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टीचिंग प्रोफेशन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन लॉ प्रोफेशन. मतलब बात ये कर रहा है कि अगर इंजीनियरिंग में कितने हैं 16, ठीक है, इंजीनियरिंग में अगर हमने 16 मान लिए तो लॉ में कुछ टीचिंग कुछ वैल्यू मिलेगी. जब 100 में से ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू किसी पता चलेगी, टीचिंग की वैल्यू पता चलेगी, टीचिंग में कितने परसेंट है. तो हम सिर्फ टीचिंग का परसेंट और लॉ कितना है, लॉ में 11% है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना होगा, बस दैट्स इट. देन दैट वे हमें आंसर 1 मिल जाएगा. और सेकंड में जैसे कि मैंने बताया कि मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना होगा, वो दूसरा होगा क्वेश्चन. और तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन बैंकिंग प्रोफेशन टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन मैनेजमेंट प्रोफेशन. सिंपल है, कैसे करना होगा. बैंकिंग कितना है, बैंकिंग में 22 है, 22 का 25% फीमेल्स है, और यहाँ बात करते हैं मेल की बात कर रहा है, तो 22 का 75% क्या है, मेल्स है, अपॉन कंपैरिजन किससे करना है, तो
कंपैरिजन कितना, मैनेजमेंट की फीमेल्स, मैनेजमेंट में 80 मेल्स है तो 20 कितनी होगी, फीमेल्स होंगी, तो 14 का 20%। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्या? ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है क्या, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना, बस इन वैल्यूज को कंपेयर करना और आंसर बताना है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं और कम से कम टाइम में सॉल्व करने हैं, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ऐसी चीजें ढूंढनी है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपके टाइम बचाएं और मार्क्स भी देके जाएं, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ नंबर से खेल रहे हो, तो नंबर से अगर आप खेल रहे हो तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस कम है, कि आप कैलकुलेशन में कहीं गलती करोगे तो ही गलत होने वाला, अदरवाइज आपका आंसर राइट ही आने वाला है। यस नो? यस सर। या ओके, सो फोकस ऑन द क्वेश्चन विच यू कैन डू इजिली। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं और कैसे टाइप क्वेश्चन है। या लेट सी दिस, ये स्क्रीन पे विजिबल है ना पाई चार्ट का? ओके, सो पाई चार्ट का एक है क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। इसमें क्या है, गिवन परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग 6 मंथ, ठीक है? किसी 6 महीने का डेटा गिवन है, जहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में टोटल 45,000 मोबाइल फोन सेल हुए हैं, और कितने परसेंट किस मंथ में सेल हुए उसका डेटा गिवन है। और आगे क्या बात कर रहा है, एक टेबल और गिवन है, दैट इज रेशियो बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी, मतलब कंपनी ए और कंपनी बी के कितने मोबाइल फोन सेल हुए हैं उनका रेशियो गिवन है, ठीक है? उस तरीके से दो डेटा गिवन है, तो दोनों को हमें साथ में सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को समझना होगा और सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग जुलाई, दो सोल्ड ड्यूरिंग दिसंबर ऑफ द सेम कंपनी, ठीक है? दो रेशियो फाइंड करना, ठीक है? कब का, कंपनी बी का जुलाई में और कंपनी बी का ही दिसंबर में। तो कंपनी बी का अगर हम जुलाई में देखते हैं कैसे निकलेगा, तो जुलाई के लिए कितना है, जुलाई कहाँ पे 17 है ना, 17 है जुलाई के लिए, और जुलाई का रेशियो क्या है बी का, दैट इज 7, और 7 प्लस 8 करो क्या होता है 15, तो मतलब 7/15 हो गया। ये हमारा ऊपर का डेटा हुआ जो रेशियो रेशियो के लिए हुआ। अब नीचे का डेटा क्या होगा, दैट इज दिसंबर का डेटा, दिसंबर में क्या है, दिसंबर में कितना परसेंट, 16%, तो 16 × अब बी का रेशियो कितना है 9, ठीक है, अपॉन में 16। अब इन दोनों वैल्यूज को सिंपली हमें कंपेयर करना है, तो जो रेशियोज के क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से हम निकाल सकते हैं, एटलीस्ट इतने तो हम कर ही सकते हैं एग्जाम में, और जो परसेंटेज के होते हैं वो भी आसानी से निकल ही जाते हैं, ऐसा कुछ तो डिफिकल्ट होता है इनमें। ये वाला देखते हैं, इफ 35% ऑफ द मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी ए ड्यूरिंग नवम्बर वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट, ठीक है, मतलब नवम्बर में जो फोन सेल हुए कंपनी ए के वो 35% मोबाइल फोन डिस्काउंट पर सेल हुए, तो बाकी इतने बच्चे डिस्काउंट पर सेल नहीं हुए, दैट आर 65%। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी मोबाइल फोन कंपनी ए ड्यूरिंग दैट मंथ वर सोल्ड विदाउट डिस्काउंट, इसका मतलब जो 65% होगा वो डिस्काउंट के बिना सेल हुआ होगा। सिंपली क्या करना होगा, पहले कंपनी ए का कौन से मंथ की बात कर रहा है, ये नवंबर मंथ की, कंपनी ए का नवंबर मंथ का डेटा निकालोगे आप, कितने मोबाइल फोन सेल हुए हैं उसका 65% निकालोगे, मतलब दो स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने ही करने हैं, इसका एटलीस्ट दो स्टेप में आंसर आ रहा है, ठीक है? सो ऐसे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। एनी डाउट क्लियर? अभी तक हमने जितने सेट देखे हैं उनमें हम आसानी से 3 क्वेश्चन तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है? जो डिफिकल्ट होता है उसको छोड़ना लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे लिए, अगर हो सकता है तो करके देखो, क्योंकि कैलकुलेशन जितना कम करोगे उतना टाइम बचेगा आपका, ठीक है? अभी तक कोई डाउट? मुंबई के लोकल ट्रेन में जो मुंबई का जो लाइफलाइन बोलते हैं, एंड लेट्स सी दिस सेट, ठीक है? ये केसलेट है, तो जैसे कि मैंने कहा था केसलेट में क्या करना होता है, केसलेट में जो डेटा गिवन होता है उसको समझना पड़ता है और फिर उसको टेबल के फॉर्म में ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे, क्या है डेटा, क्या है, दैट इज 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, वो मंडे टू फ्राइडे स्पेसिफिक वीक में कार्स प्रोड्यूस कर रही है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो डायरेक्शंस गिवन होते हैं ना उसको पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ने जाते हो एटलीस्ट 10 सेकेंड आप वेस्ट करने वाले हो, एटलीस्ट 10 सेकेंड आप वेस्ट करने वाले हो। तो पूरा डेटा यहाँ से डायरेक्शन का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है क्या बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, 3 डिफरेंट कंपनीज है, इतना समझ लिया आपने, मंडे से फ्राइडे का डेटा लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ ना फटाक से,
यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ लो, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल कार प्रोड्यूस ऑन मंडे टू दैट ऑन वेडनेसडे, इसका मतलब किसी हफ्ते की बात हो रही है, वहां पे कार प्रोडक्शन की बात हो रही है, यस नो? तो यहां से हमें पता चलता है कि डेटा किस बारे में गिवन है, ठीक है? तो इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं और टाइम यहाँ पे इसको ना पढ़ते हुए टाइम यहाँ पे बचा सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल कार प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे टू दैट ऑन वेडनेसडे, मंडे से वेडनेसडे का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है? नेक्स्ट डेटा क्या है आगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय रेनॉल्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. अब रेनॉल्ट का डेटा चाहिए, टोटल डेटा मंडे से फ्राइडे से उतने उसने कितना प्रोडक्शन किया है. तो जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें फाइंड करनी है, जब भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं हम पूरा टेबल ही निकाल के रख दें, क्योंकि टेबल भरने में भी हमारा 5 मिनट जला जाएगा. अगर डेटा ज्यादा हुआ, इतना डेटा करना हुआ, 4 से 5 मिनट डेटा भरने में निकल जाएगा. पूरा डेटा भरना भी हर बार बुद्धिमानी नहीं होती है, स्मार्टनेस नहीं होती है, ठीक है? अगर यहाँ पे 50 डेटा है तो 50 डेटा भरने में आपके 4-5 निकल जाएंगे, 4-5 मिनट, तो ये दैट इज नॉट अ स्मार्टनेस, ठीक है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि कितना डेटा पूछा गया है, उस हिसाब से टेबल को फिल करते जाओ. तो जैसे कि यहाँ पे टोटल चाहिए तो टोटल निकालो, अदरवाइज टोटल निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे टोटल मांगा है इसलिए टोटल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम टोटल नहीं निकालते, वहां से भी हम कुछ सेकंड बचा सकते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या क्या चीजें हमें निकालनी पड़ेगी, पहली कंपनी टाटा, मारुति एंड रेनॉल्ट, 3 कंपनीज हैं. मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए डेटा निकालना है, तो मंडे में कितना प्रोडक्शन हुआ, ट्यूजडे में कितना हुआ, वेडनेसडे में कितना हुआ, अलग अलग डेटा गिवन है, तो अलग अलग डेटा को निकालो और फटाफट सॉल्व करते जाओ, ठीक है? तो टेबल एक साइड में ऐसे ड्रॉ करो और इसको रीड करते जाओ और इसको फिल करते जाओ. अगर इसको आप फिल कर लोगे तो उसको आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो. फिर कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस पर डे बाय मारुति. अगर आप मारुति का टोटल निकालोगे तो एवरेज निकालना कितना ही मुश्किल हो जाएगा. एवरेज निकालना कितना, टोटल कुछ है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज दैट इज 6, निकाल दो एवरेज आ गया. मुश्किल से 10 सेकंड का काम रह जाएगा, 10 सेकंड का भी नहीं रहेगा, 5 सेकंड का काम रह जाएगा अगर आप एक बार टेबल ड्रॉ कर लोगे तो. सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग केसलेट में क्या होता है, डेटा को समझना और टेबल ड्रॉ करना. सो अगर केसलेट करने जाते हो अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 से 7 मिनट लगने वाले हैं केसलेट के क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको डेटा पहले समझना और उसको टेबल में ड्रॉ करना, उसमें 4 से 5 मिनट देना और हर एक क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट में सॉल्व करना. तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 7 मिनट जाने वाले हैं डेटा सेट में या फिर केसलेट में, ठीक है? इसके लिए आप तैयार रहिए. तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं हमें. तो हम आगे चलते हैं, बात करते हैं डेटा कंपैरिजन की. सो डेटा कंपैरिजन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें हमें 2 स्टेटमेंट गिवन होता है, क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2 ऐसे करके, ठीक है? उन दोनों क्वांटिटी को हमें समझना पड़ता है और उनको कंपेयर करना पड़ता है. कैसे, फर्स्ट ऑप्शन कैसा रहता है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2. अगर ऐसा होता है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी है तो हमें ऑप्शन 1 टिक करना होता है. और सेकंड ऑप्शन, क्वांटिटी 1 इज लेसर देन क्वांटिटी 2, मतलब क्वांटिटी 2 बड़ी होने वाली है, तो हम उस केस में ऑप्शन 2 टिक करेंगे, ऑप्शन बी टिक करेंगे. एंड थर्ड केस क्या बनता है, जब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 2. तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे, तो कई बार वैल्यूज कुछ पॉजिटिव आते हैं, निगेटिव आते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे ऐसे केसेस बनते हैं. तो क्या पता माइनस वाली वैल्यू इक्वल हो और पॉजिटिव वाली छोटी बड़ी हो, तो उस केस में ऐसे 2 ऑप्शंस बनते हैं, सी और डी वाले. कई बार ऑप्शन 1 बड़ा और इक्वल दोनों होता है और ऑप्शन 2 छोटा और इक्वल दोनों होता है. तो ऐसे केसेस में सी या तो डी, ऐसे ऑप्शंस टिक करने पड़ते हैं हमें. एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन ई, दैट इज क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 या फिर नो रिलेशन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होने वाली 1 और 2 या फिर इनमें कोई रिलेशन नहीं है. तो ऐसे केस में ऑप्शन ई टिक करना होता है हमें, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कैसे समझना होगा, पहले एक्स के लिए सॉल्व करो, हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे इसको, हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसमें वाई के लिए सॉल्व करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि एक्स बड़ा है या फिर छोटा है या फिर इक्वल है, समथिंग कुछ वैल्यू कुछ मिलने वाली है हमें. इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल यही तरीका है कि आप एक्स की वैल्यू निकालो और वाई की वैल्यू निकालो और दोनों को कंपेयर करो. इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ज्यादा ट्रिक नहीं है. तो सिंपल यही तरीका है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझो और आंसर निकालो, तभी जाके आपका आंसर आने वाला है, तभी राइट आंसर आने वाला है. अदरवाइज तुक्का मारने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. 2 टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन दे देता है और दूसरा डायरेक्ट क्वांट का क्वेश्चन दे देता है कि एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करो
फिर 21 और 2 को कंपेयर करो, तो यहाँ पे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, क्या दिया हुआ है, एन आर्टिकल सोल्ड एट 3000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, एक मार्क प्राइस की वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमें शायद से, फिर क्वांटिटी 1 दिया है 1100 और क्वांटिटी 2 मार्क प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी 1 में 1100 है और क्वांटिटी 2 में मार्क प्राइस है, इन दोनों कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर इक्वल है, तो ऐसे क्या करना होगा हमें, मार्क प्राइस कैसे मिलेगा, मार्क प्राइस निकालना आ जाएगा यहाँ से आप सबको, कैसे, सेलिंग प्राइस से बड़ा क्या होता है मार्क प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का 12.5% बड़ा है कौन, मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है 3000, तो हमारा मार्क प्राइस उससे बड़ा ही आएगा 3000 से, यस नो, इसका मतलब जो हमारा क्वांटिटी 2 होगा वो ग्रेटर होगा, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, हमने बिना सॉल्व करने भी इसको आंसर कैसे निकाला, 3000 ऑलरेडी सेलिंग प्राइस है, यस 3000 ऑलरेडी हमारा सेलिंग प्राइस है, और जो हमारा मार्क प्राइस है वो उस पर हम डिस्काउंट देके तब हम सेलिंग प्राइस पे आ रहे हैं, इसका मतलब मार्क प्राइस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब ये वैल्यू 3000 से बड़ी होने वाली है, तो क्वांटिटी 1 सिर्फ 1100 है तो वो सिंपली छोटा ही होने वाला है ना, तो यहाँ पे हम आसानी से कौन सा टिक कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन बी, ऐसे सोचो क्वेश्चन आप मुश्किल से 10 सेकंड में निकाल सकते हो कि नहीं, इसके लिए मान सकता हूं मैं आपको अराउंड 50 सेकंड्स 1 मिनट लगने वाला है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड में निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन अराउंड आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या फिर 2-3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, तो आप यहाँ से 5 में से 4 क्वेश्चन निकाल सकते हो आसानी से, डेटा कंपेरिजन में 5 में से 4 क्वेश्चन एकदम आसानी से निकाल सकते हो, तो किसको बुरा लगेगा 4 मार्क्स, मुश्किल से आप 1 मिनट के अंदर अगर 4 मार्क्स निकाल लो ऐसे क्वेश्चन करके, या फिर 2 मिनट भी दे के 4 मार्क्स निकाल रहे हो, तो किसको बुरा लगेगा भाई 2 मिनट के अंदर 4 मार्क्स, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है ऐसे टॉपिक्स को, जरूर से जरूर करना है, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, डेटा कंपैरिजन में कोई डाउट किसी को, आई होप क्लियर टू ऑल, लेट्स मूव टू डेटा सफिशियंसी, ठीक है, डेटा सफिशियंसी देखते हैं हम, ओके, थैंक यू, सो लेट्स सी डेटा सफिशियंसी में क्या क्वेश्चन होते हैं, तो डेटा सफिशियंसी में हमें जैसे कि आप देख सकते हैं डेटा 1 एंड डेटा 2 गिवन है, इन दोनों डेटा में, इन दोनों डेटा का यूज करके ये जो क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछा है हमें बताना है कि इन दोनों डेटा को यूज करके ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, यस या फिर नो, आएगा कि नहीं आएगा, हमें आंसर नहीं देना है कि आंसर एग्जैक्टली ये आने वाला है, हमें सिर्फ इतना बताना है आंसर आएगा या आंसर नहीं आएगा, सिर्फ इतना बताना होता है, सो कैसे होते हैं ऑप्शंस, कैसे होते हैं इसमें, ऑप्शन ए, इफ डेटा 1, सॉरी, इफ द डेटा इन द स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसके लिए सिर्फ डेटा 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, डेटा 2 की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटा 1 से आंसर आ सकता है, सो इट मींस दैट अगर ऐसा केस बनता है तो ऑप्शन ए टिक करके आप आगे निकल जाओगे। सेकंड केस देखते हैं, ऑप्शन बी कब टिक करना होता है, इफ डेटा इन द स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 है ना उसके थ्रू आपका आंसर आ जाने वाला है, अगर स्टेटमेंट 2 के थ्रू अलोन आपका आंसर आ रहा है तो उस केस में आप ऑप्शन बी टिक करके आगे निकलोगे। अब ऑप्शन सी देखते हैं वो कब बनता है, ऑप्शन सी किस केस में बनता है, इफ द डेटा ईदर इन द स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ऑप्शन ए से भी आंसर आ रहा, मतलब स्टेटमेंट 1 से भी आंसर आ रहा है और स्टेटमेंट 2 से भी आंसर आ रहा है, मतलब अकेले अगर हम 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आंसर आ रहा है, अकेले अगर हम 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आंसर आ रहा है, तो मतलब ऐसे कंडीशन में ऑप्शन टिक कर सी टिक करना होता हमें, जब अकेले 1 से भी आंसर आता है और अकेले 2 से भी आंसर आता है, ठीक है, ए कब टिक करना है जब ए से अकेले आंसर आएगा, बी टिक करना है जब बी से अकेले आंसर आएगा, लेकिन सी तब टिक करना है जब ए से अकेले आएगा और बी से भी अकेले आएगा, ऐसी केस बनते हैं, मतलब तीनों केस में डिफरेंस समझ में आप सबको, यस नो, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है, ऑप्शन कब कौन सा टिक करना है, तो ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यहाँ पे क्या था जब 1 से अकेला आंसर आएगा बी से अकेला आएगा, सी में क्या बनता है जब ए से भी आ रहा है, सॉरी किसी ने कुछ कहा,
ओके ओके आई एम रिपीटिंग, ठीक है फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो अगर ध्यान से हम एग्जांपल पे चलते हैं सीधे, मतलब 131 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है 131 वाला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। पहले क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम डिड पी टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या पूछा हमें, पी का टाइम पूछा है कि पी कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, पी का डेटा निकालना है। अब हम स्टेटमेंट वन को पढ़ेंगे, क्यू टेक्स 24 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन द सेम, ठीक है उस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए क्यू को टाइम लगता है 24 मिनट। सो स्टेटमेंट वन से अकेला आंसर आने वाला है क्या, यस नो? अगर हम इतना से पढ़ें क्यू को 24 मिनट लगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि पी को कितना टाइम लगेगा, यस नो? नहीं। इसका मतलब ये तो बाहर निकल गया, ये तो होने से रहा, यस? इसका मतलब अगर ये बाहर निकल गया तो ये भी बाहर निकल गया, स्टेटमेंट वन अलोन से आंसर नहीं आ रहा है तो ये बाहर निकल गया, और इधर स्टेटमेंट वन अलोन ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट टू को पढ़ेंगे, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4, ठीक है स्पीड का रेशियो गिवन है 3:4। हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड का अगर रेशियो गिवन है और एक का टाइम स्टेटमेंट वन में गिवन है, ठीक है स्टेटमेंट टू में नहीं गिवन है, स्टेटमेंट वन में गिवन है, ठीक है। हमें सिर्फ स्टेटमेंट टू में क्या गिवन है, रेशियो स्पीड का, रेशियो से स्पीड के रेशियो से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन कितने टाइम में पहुंचने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस भी एक मैटर करती थिंग। तो हम स्टेटमेंट वन का भी यूज करेंगे, क्योंकि क्यू कितना टाइम लग रहा है 24 मिनट्स। अगर हम इन दोनों को यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक स्पीड और एक टाइम क्यू का। तो हमारा आंसर आ सकता है अगर हम दोनों को यूज करें, यस नो? यस सर। तो बस इतना ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों को यूज कर रहे हैं साथ में तब जाके हमारा आंसर आ रहा है। तो इट मींस हियर इन ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो क्या बोला, सी तक हमने देख लिया था, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ डेटा गिवन इन बोथ वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब दोनों मिलाएंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आता है ऑप्शन ई, इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब दोनों को यूज करना है तब जाके आंसर आया। तो इट मींस 131 के लिए ऑप्शन ई टिक करना होगा हमें। ओके, समवन हैज रेज्ड द हैंड, हाँ किसी कुछ डाउट है? हेलो, ओके ठीक है सर। नहीं विराट कोहली बरोबर करे। सो डेटा सफिशिएंसी हमने क्या समझा कि हमें कब कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो अगर हम सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करें, तो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, 131 तो हमने देख लिया, 132 देखते हैं, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क, मतलब ए और बी को साथ में काम करने में कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन देखते हैं, इफ ए वर्क्स अलोन फॉर 10 डेज एंड एम आई ऑडिबल, हेलो, ओके एज आई वॉज सेइंग इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टूगेदर कंप्लीट द वर्क, मतलब ए और बी साथ में कंप्लीट करने पे कितना टाइम लगाते हैं वर्क को कंप्लीट करने का। तो स्टेटमेंट वन में गिवन है, इफ ए वर्क्स अलोन फॉर 10 डेज एंड बी अलोन वर्क्स फॉर 15 डेज, मतलब ए का अलग डेटा गिवन है और बी का अलग डेटा गिवन है। तो अगर हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के, सॉरी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हमें पता है होना चाहिए कि अगर हम ए और बी का डेटा चाहिए, ए और बी दोनों के साथ का डेटा चाहिए, तो ए और बी का डेटा होना ही जरूरी है। तो स्टेटमेंट वन में वो चीज गिवन है, ठीक है। अब आगे क्या बोला, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए और बी का गिवन है, यहाँ पे सिर्फ ए का गिवन है। तो कौन से ऑप्शन को यूज करके, कौन से स्टेटमेंट को यूज करके हमारा आंसर निकलने वाला है बताओ? ए अलोन, यस नो? ए अलोन से आंसर आ जाएगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं देना है, सिर्फ मुश्किल से 30 सेकंड देने हैं, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ 30 सेकंड देने हैं। कितने? 30 सेकंड में देके आप आगे निकले, ठीक है। इसका आंसर आसानी से 30 सेकंड में आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए अलोन। इसके लिए ए होगा, इसके लिए ई था। तो ऐसे बाकी के सारे क्वेश्चन 30-40 सेकंड में निकल जाएंगे। इन पांच में से अगर आप चार भी करते हो तो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर दिस डेटा सफिशियंसी। एनी डाउट इन डेटा सफिशियंसी नाउ?
यस नो नो सर ओके सो इफ वी कंक्लूड कि हमने डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंसी डेटा कंपैरिजन में कितने कितने मार्क्स स्कोर किए तो लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स से हमने डेटा इंटरप्रिटेशन में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ठीक है 25 में से हमें 22 क्वेश्चन इजी मिले बाकी के 3 डिफिकल्ट मिले हमने 3 छोड़ दिए 3 डिफिकल्ट थे उनको छोड़ दिए तो 22 मार्क्स निकल सकते हैं 25 में से अचीवेबल है या नहीं है यस नो हेलो 25 में से 22 अचीवेबल है या नहीं है यस सर है ना या दैट्स हाउ आई शोड यू कि हमने जितने भी सेट्स देखे उनमें एक आध क्वेश्चन ही डिफिकल्ट निकल सकता है जो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा अदरवाइज 22-23 क्वेश्चन जो होंगे अगर आप 22 भी पकड़ते हो 23 छोड़ो 22 क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर पा रहे हो तो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन अब बात करते हैं डेटा कंपेरिजन की यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 5 में से अगर 4 क्वेश्चन आप इजिली कर पा रहे हो मान लो 5 मिनट दे के भी तो दैट इज गुड अटेम्प्ट फॉर यू ठीक है अगर आप 5 में से 4 भी ले पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना कंपलसरी है डेटा कंपेरिजन में अब बात करते हैं डेटा सफिशियंसी की डेटा सफिशियंसी में टाइम देना ही नहीं है जैसा कि मैंने आपको शो किया 30 से 40 सेकंड में आंसर निकलना कंपलसरी है आंसर निकल ही जाता है कुछ टाइम लगने वाला नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ देखना है रीड करना है आंसर आएगा या नहीं आएगा सिर्फ इसका डिसीजन लेना है सो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और 5 में से 4 राइट करोगे ही करोगे क्योंकि इतना डिफिकल्ट कुछ था नहीं हमने खुद गो थ्रू करके देखा तो अगर आप 22 मार्क्स यहाँ से ला रहे हो 22 मार्क्स यहाँ से ला रहे हो और 4 मार्क्स डेटा कंपैरिजन से ला रहे हो 4 मार्क्स डेटा सफिशिएंसी से ला रहे हो तो 30 मार्क्स तो आपके हो गए ओवरऑल क्वांट सेक्शन में बिना क्वांट सेक्शन के नंबर सिस्टम परसेंटेज एवरेज वो सबको टच किए हाँ कि नहीं अप्रॉक्सीमेटली इसको करने में कितना टाइम लगाने वाले हो आप डेटा इंटरप्रिटेशन अगर 25 क्वेश्चन कर रहे हो तो कितना टाइम लगाओगे मेरे हिसाब से 25 मिनट लगाओगे यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे लगाओगे 3 मिनट यहाँ पे लगाओगे कितने टाइम खर्च हुए आपके टोटल 33 मिनट्स खर्च हुए 33 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स आ रहे हैं ये कोई बुरी बात है अच्छी बात है सो इट इज गुड फॉर यू यार सो दैट्स वाई हाउ शुड बी आर अप्रोच ऐसा ही हमारा अप्रोच होना चाहिए कौन सेक्शन को सॉल्व करने का कि हम अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स भी पकड़ लो और 30 आंसर ला रहे हो 30 राइट आंसर ला रहे हो 30 मार्क्स ला रहे हो सो दैट इज गुड फॉर यू ठीक है कि 35 मिनट्स में अगर 30 मार्क्स ला रहे हो सो दैट इज गुड फॉर यू अब बात करते हैं बाकी के जो बचे हुए 15 क्वेश्चंस मिलते हैं हमें कौन सेक्शन में ठीक है आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ यस नो यस सर ठीक है अब बात करते हैं जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं तो बाकी के जो 15 क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या है प्रॉफिट एंड लॉस इससे आपको अप्रॉक्सिमेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन इनसे भी अप्रॉक्सिमेटली 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें टाइम एंड वर्क यहाँ से भी हमें 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ठीक है फिर एवरेजेस परसेंटेजेस मिक्सचर एलिगेशन प्रपोर्शन यहाँ से हमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इनकम एक्सपेंस यहाँ से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें अलजेब्रा के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं मुझे बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है प्लीज म्यूट योरसेल्फ ओके सो डन या एज आई वाज सेइंग कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है अगर आपको एक क्वेश्चन करना है प्रॉफिट एंड लॉस का कितना टाइम आप लगाओगे 1 मिनट लगाओगे उससे ज्यादा लगाओगे क्या इतना डिफिकल्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यस नो तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हो तो 2 मार्क्स आपके आ गए ज्योमेट्री मेंसुरेशन ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही आसान होते हैं सिर्फ आपको थोड़े थ्योरम्स ये सारी चीजें आनी चाहिए बस
बाकी आपके मार्क्स निकल जाते हैं, जो एक दो क्वेश्चन पूछता है ना वो भी आसानी से निकल जाता है। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाते हैं। तो इन दो क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट, तो यहाँ से 2 मार्क्स आया, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 मार्क्स आया, एंड ज्योमेट्री से मान लो 1 ही मार्क्स आया, ठीक है, ज्योमेट्री से 1 मार्क्स आया आपका। एंड टाइम एंड वर्क से भी हम मान लेते हैं आपके 2 क्वेश्चन मिले, उसमें से आप 1 क्वेश्चन ठीक किया आपने, 1 क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, यहाँ से 2 मिले, यहाँ से 1 मिले, यहाँ से 1 मिले। अब बात करते हैं एवरेज, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ईजी टॉपिक्स होते हैं फॉर सीटी एग्जाम, पर्टिकुलरली फॉर सीटी एग्जाम बहुत ही ईजी टॉपिक्स होते हैं। अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेट से 4 क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन आसानी से निकाल लिए, आपने 3 मिनट दे दिए, 3 मिनट देके तीन निकाल लिए क्वेश्चन, तो दैट इज गुड फॉर यू। पर इनकम एक्सपेंस का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, वो तो 1 क्वेश्चन आपका राइट होने ही होने वाला है। अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आप उनको छोड़ दो। तो कितने मार्क्स आपने निकाले, 2, 1+3, 3+4, 4 एंड 3, ठीक है, 4+3, 7 मार्क्स। तो लेट से आप 15 में से 7 मार्क्स आपने निकाल लिए, टाइम कितना दिया, 2, 3, 4 एंड 3, मतलब 7 मिनट्स दिए, अराउंड 7 मार्क्स निकाल लिए। तो अराउंड 40 मिनट्स आपने खर्च किए, क्योंकि 33 पहले हमने खर्च किए थे, ठीक है, पहले हमने 33 मिनट्स खर्च करके 30 मार्क्स निकाले थे और बाकी के 7 मिनट दे के 7 मार्क्स निकाले। तो अराउंड 40 मिनट्स हमने खर्च किए और मार्क्स हमारे कितने मिले, 30+7, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 37 मार्क्स हमने निकाल लिए। तो यही हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमें टोटल कौन सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट देना है और 35 मार्क्स आसानी से निकालना है। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर यू इन द एग्जाम।